परदेशीपुरा चौराहा स्थित कनकेश्वरी धाम में 10 दिनी 108 कुंडीय हवनात्मक कोटि चंड महायज्ञ के साथ ही भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त आहुतियां देने के लिए शामिल हो रहे हैं। लगभग 15,000 श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। पहले दिन मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें सभी कुंड पर यजमानों ने आहुतियां दी, साथ ही कथा भी शुरुआत हुई। यज्ञ को सुबह और शाम को दो भागों में बांटा गया है। आयोजनकर्ता ने बताया कि यज्ञ पूरी तरह निशुल्क है और कोई भी यजमान इसमें बैठ सकता है। यह आयोजन तुलसी तपोवन गौशाला द्वारा करवाया जा रहा है और इसके संयोजक विधायक रमेश मेंदुला है। कथा के समापन के बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी कथा स्थल पर की गई है। बताया जा रहा है कि कोटि चंडी महायज्ञ और भागवत कथा का संयुक्त आयोजन पहली बार हो रहा है। वहीं इस मौके पर आशा विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, चंदू शिंदे ने व्यासपीठ का पूजन कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशिक जी महाराज के सानिध्य में और 108 कुंडी कोटि चंडी यज्ञ का यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ का यहाँ पर शुरुआत की गई। आयोजक हमारे विधायक रमेश मेंदुला जी के नेतृत्व में यहाँ पर विशाल भंडारे की भी जो है व्यवस्था की गई। सुबेरे 7 बजे से जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो रात को 8 बजे तक 9 बजे तक जो है इसकी रहता है। सुबह करीबन बाहर से 350 ब्राह्मण आए हुए हैं, कुछ यजमान भी बाहर से आए हैं। एक विशाल आयोजन नवरात्रि पर्व पर माँ के दरबार में यहाँ पर किया गया जो 28 तारीख से 10 दिनी महायज्ञ में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आहुतियाँ देने पहुँचेंगे।